अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो सा हमारा है एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इसके हम न्यू टर्म्स एंड एक्सरसाइज के कुछ पोर्शंस जो है आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारी न्यू टर्म्स, न्यू टर्म में है सबसे पहले मैटर। अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग डेट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास होता है या वजन है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी जितनी भी चीज़ है, कोई चेयर है, क्योंकि चेयर का एक मास भी है, उसका एक वॉल्यूम भी है कि उसका वो एक जगह घेर रही है। अगर आप कोई पेंसिल देखते हैं, पेंसिल का भी इस तरह वजन भी है और जगह भी घेर रही है। अगर आप एयर भी देखते हैं हवा में, अगर बेशक आपको नज़र नहीं आ रही पर उसका भी एक वज़न भी है, क्योंकि आप अगर सिलेंडर्स देखते हैं तो सिलेंडर के अंदर भी जो सी वो शेप होती है किसी भी कंटेनर की, वो और जो सी वो उतनी सी वो जगह घेर लेती है। तो इसी तरीके से उसका मास भी है और वो जो सी है स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। उसके बाद है एलिमेंट। द मैटर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। अब ऐसा मैटर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का एटम प्रेजेंट हो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एलुमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है इसके अंदर। अब उसके बाद एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम क्या है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। अब मैटर की हमने पहले बात कर ली है कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर बोलते हैं। तो एटम मैटर का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे हम एक तो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि एक उससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं हो सकता, और दूसरा क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पानी देखते हैं, पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का अलग से एटम है, ऑक्सीजन का अलग से एटम है, तो जब वाटर बनाने वाला जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे, देन वो वाटर बनेगा। इसी तरीके से जब आप दो चीज़ें कोई भी मिलाते हैं तो उनके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करके तो एक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मेटल। द एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स। अब एलिमेंट्स हमने बात किए तो एलिमेंट्स बड़े हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कार्बन है, इसी तरह के से ये जो से हैं, और इनको भी हमने आगे स्पेसिफाई किया है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो उनके से मेटल्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, उन्हें मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये जो से हीट को भी कंडक्ट करना मतलब कि जिसके अंदर से गुजर सके, तो हीट भी वो उसके अंदर से कंडक्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। आप देखते हैं कि अगर आपके जो से घर में बर्तन है, बर्तन के अंदर क्या है कि जब आप उनको खाना पकाने के लिए यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी है, आप लकड़ी को क्या करते हैं जो सा उसको खाना पकाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, पर जो से आपके बर्तनों की जो ग्रिप्स हैं जहाँ से आप पकड़ते हैं उसको आप लकड़ी के या प्लास्टिक के बनाते हैं ताकि उसके अंदर से हीट ना पास कर सके और आप इजीली वो उठा सकें। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें उन्हें मेटल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर। हम लोगों ने पहले जैसे न्यू टर्म्स किए हैं, अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं आपके इस चैप्टर के। तो सबसे पहला आपका एमसीक्यूज है When elements are joined chemically in a compound they, कि जब कोई एलिमेंट्स जो से हैं केमिकली एक कंपाउंड के अंदर मिलते हैं तो वो क्या होता है उनके साथ, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, कि वो अपनी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खो देते हैं, कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, के उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके पास ही रहती हैं, बिकम अ मिक्सचर के मिक्सचर बन जाते हैं, बिकम अनदर एलिमेंट के वो एक और एलिमेंट बना देते हैं। तो देखें जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो से हैं एक केमिकली ये जो से किसी भी कंपाउंड में बनते हैं तो
उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज तो उनके पास नहीं रहती कि वहाँ पे जब एक नया कंपाउंड बना देंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और वाटर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो तो ख़त्म होगी, क्योंकि वो गैसेज थी और वाटर लिक्विड है। मतलब कि ये तो गलत हो गया कि वो उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती। उसके बाद है बिकम अ मिक्सचर। अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन मिलके तो वो वाटर बना रहे हैं, तो वो एक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिक्सचर ही बनाए, तो ये भी गलत है। बिकम एन अदर एलिमेंट कि वो एक और एलिमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एलिमेंट क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का वो जैसे हमारे पास जैसे मैटर प्रेजेंट हो, तो जैसे इसके अंदर जब दो या मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका जो सा आंसर है वो ये वाला होगा कि उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वो क्या वाटर बना रहे हैं, तो वो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ उनकी ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट्स। अब हमने क्या बताना है कि इन सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर से हमने देखना है कि कौन सी एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही। तो पहली है ऑल पार्टिकल्स आर अलाइक। अब एक एलिमेंट की हमने न्यूटन्स में बात की थी, एलिमेंट क्या होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वन टाइप ऑफ जैसे मैटर प्रेजेंट हो। तो ऑल पार्टिकल्स आर अलाइक मतलब ये तो एलिमेंट्स के अंदर होते हैं कि उनके सारे अलाइक हैं, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं है। कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब एक एलिमेंट को हम देखते हैं तो एलिमेंट जो है वो भी कहें कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके तो कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तो कंपाउंड्स बना रहे हैं, हैव पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि वो गैस है, या उसका एक बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक है, तो मतलब कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर बताया कह रहे हैं कि वो जो है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर हम उसे जो है तोड़ सकते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बेसिकली एक एटम है, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। हमने एटम की बात ये की थी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो इस का ऑप्शन जो है ये सी वाला होगा। उसके बाद है विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, किन में से कौन सा कंपाउंड है। अब कंपाउंड होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड बना देते हैं। पहला है कार्बन, कार्बन तो वो खुद एक सिंगल कंपाउंड है, वो एलिमेंट है, वो हो नहीं सकता। क्लोरीन भी नहीं हो सकता, सोडियम भी नहीं हो सकता, तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये दो एटम से मिलकर बना है, एक सोडियम से और एक क्लोरीन से, तो मतलब कि ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको उसके अंदर से हम साल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये इसमें बताना है किस प्रोसेस के थ्रू। पहले फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। अगर आप फिल्ट्रेशन को देखते हैं तो फिल्ट्रेशन में क्या है कि एक फिल्टर की मदद से आप अलग अलग कर लेते हैं, जिसे आप छानना टाइप समथिंग कह सकते हैं, आप लोग आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो नमक उसके अंदर से अलहदा नहीं होगा। सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन के अंदर क्या है कि एक उनके अंदर मिक्सचर के अंदर एक कोई भी एलिमेंट या मैटर ऐसा होना चाहिए जो कि सब्लिमेट हो, जो सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो सोडियम जो है ये साल्ट है, ये इस तरह का जो है वो कंपाउंड नहीं है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो जो है दो लिक्विड्स को यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। तो डिस्टिलेशन इसका है, क्योंकि डिस्टिलेशन के अंदर हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे अलग अलग कर लेते हैं, कि जब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर को अलग कर लिया जाएगा, बाकी सॉल्ट अलग हो जाएगा। हाउ कैन यू सी कलर्स ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स। अब ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स के अंदर जो कलर्स हैं उन्हें कह के आप उनको कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा कलर एक बीन के अंदर है। तो डिस्टिलेशन के अंदर हमने बात की है कि वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग अलग कर लेते हैं, तो इसके अंदर से हम कलर्स अलग अलग कलर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि मुख्तलिफ कलर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो सकता है, क्योंकि वो कंपाउंड तो उनके अंदर एक ही है। बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के अंदर भी क्या है कि उसके अंदर एक सब्लिमेट होना चाहिए, तो कलर इंक्स के अंदर इस तरह का कंपाउंड नहीं होता। तो फिल्ट्रेशन की हमने बात कर ली कि वो किस तरीके से होता है,
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से हम जो है कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं उनकी डेंसिटी की बेस पे। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर है। हम आगे चलते हैं, आगे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे पहली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि जो उसकी मैटर की जो है वो चीज वो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब मैटर का जो है स्ट्रक्चर, हमने बात की है कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन सा था, हमने बात की थी कि वो एटम होता है। तो इसका जो आंसर है वो है एटम। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। उसके बाद है मैटर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के एटम जिसके अंदर प्रेजेंट हो, तो ये जो सा वो एलिमेंट हमने ये न्यूटम के अंदर ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे जो है मिक्सचर्स को सेपरेट करना उसके कंपोनेंट्स को, वो क्या होता है, हमने ये पीछे एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस कर लिया है कि वो डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट जिनके डिफरेंट हैं उस बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे हम जो है एक मिक्सचर के अंदर से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स, के कलर्ड केमिकल्स को अलग करना, तो हम ये भी एमसीक्यूज में बात कर चुके हैं कि जो से कलर्ड केमिकल्स हैं उनको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। और सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट बिकमिंग टू लिक्विड, ये भी हमने बात कर ली है कि जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है उसके अंदर सॉलिड को डायरेक्टली जो सा है वो वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बजाय कि जो उनकी सेंट्रल स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है लिक्विड, उसमें कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्ट जो सा उससे गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।